चाचा चाची और सैम को अभी तक आ जाना चाहिए था। अगर वो लेट हो रहे होते तो मुझे फोन करके जरूर बताते। मुझे डर लग रहा है राजू। घबराओ मत जूली, तुम दोनों यही रुको। कहीं ऐसा ना हो कि सैम यहाँ पहुँच जाए और तुम घर पर ना हो, तब तक मैं जाकर माइटी राजू से मदद लेता हूँ। ठीक है राजू। हाँ चिकी, कम इन। यस राजू। चिकी, ट्रैकिंग हो गई? हाँ राजू, तारानगर से रोज 4 ट्रेन आर्यनगर आती हैं, पर आज उनमें से सिर्फ 3 ट्रेन यहाँ पहुँची हैं। एक ट्रेन बीच में ही रुक गई, पर अचानक तुम सब ये क्यों ट्रैक कर रहे हो राजू? लंबी कहानी है चिकी, अब समझाने का वक्त नहीं है, वापस आकर बताऊंगा। टाइम फॉर माइटी राजू। अच्छा हुआ तुम आ गए। कल रात के तूफान में ये पेड़ ट्रैक्स पर गिर गया और अचानक ब्रेक्स लगाने के कारण इंजन भी अब स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या करें? क्या आपने इमरजेंसी हेल्प यूनिट्स को कांटेक्ट नहीं किया? हम सब ने बहुत कोशिश की माइटी राजू, पर बारिश के कारण सारे सिग्नल्स बंद हो गए थे और हम जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं, इसलिए किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं ड्राइवर अंकल, पहले हम इस बड़े पेड़ को यहाँ से निकालेंगे और फिर ट्रेन स्टार्ट करेंगे। हम तुम्हें जूली के घर पर मिलेंगे। माइटी राजू हो गया था? मैंने रोप्स ताकि जब हम इंजन को पुल करेंगे तब रोप्स टूट ना जाएं। ड्राइवर अंकल, इंजन को स्टार्ट कीजिए। ओके माइटी राजू। सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया इस बार, माइटी राजू को भेजो मुझे लाने। थैंक यू सो मच जूली। इनसे मिलो सैम। मुझे अपने माइटी एडवेंचर के बारे में हर डिटेल सुनाओ। बिल्कुल राजू।